So hey guys, what's up? Welcome back to the new vlog. Don't be in top 3, be in top 5. ऑक्सी बाहर से आया था उस टाइम दिन में चुके हैं हम अच्छी. उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, आज नहीं खाया क्या है ना, शाम को खाऊंगा आज. I slept for like 12 to 14 hours. मैं सोया था कल रात को 1:30-2 बजे और अभी हो रहे हैं 4:30. तो मैं जस्ट उठा और मैंने व्लॉग को शुरू किया, तो आप देख सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा सोया. मतलब मेरे कई दिनों की नींद थी जो मैंने कल ख़त्म कर दी, पूरी हो गई. हालांकि मुझे अभी भी नींद आ रही है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि थोड़ा और सो जाऊँ, क्योंकि यार अब दिन तो ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, तो अब उठ के क्या मतलब. तो जस्ट मैं ब्लॉग शुरू करने आया था, क्योंकि डेली ब्लॉग डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन छूट जाए सोने के चक्कर में. अभी चलते हैं, वापस सोते हैं और शाम को कुछ हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि सुबह का तो मैंने मिस कर दिया. सो लेट्स गो. सो गाइज, अभी मैंने एक इतनी ओपी चीज़ निकाली है विच कैन सेव योर लाइक लैक्स ऑफ रुपीज़. आप लोग सब कॉफ़ी तो ज़रूर पीते होंगे और कोल्ड कॉफ़ी स्पेशली फ्रॉम द ब्रांड्स जो स्टारबक्स है, कैविंटस है एक्सेट्रा. तो उदयपुर में जैसे मैंने कैविंटस की कॉफ़ी पी और मेरी फेवरेट भी है वो, तो मैंने सेम कैविंटस वाली कॉफ़ी घर पे बनाई. तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या है प्रोसेस. लेकिन यार मतलब जो मैं कॉफ़ी बनाता नॉर्मली, तो आपने मेरा हॉर्लिक्स वाला रील तो देखी होगी, तो मैंने क्या किया वो हॉर्लिक्स लेके डाल दी कॉफ़ी में, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ खानों के साथ साथ. तो ऐसा हुआ कि उसको जब मैंने ब्लेंड किया तो मतलब लिटरली वो जो कॉफ़ी होती है ना वो एकदम कैविंटस वाली कॉफ़ी बन गई. सेम झाग आ रहे, सेम टेस्ट. और अगर आप आइसक्रीम डाल दो तो वो जो 150 वाली जो कॉफ़ी होती है या 200 रुपए वाली जो कॉफ़ी होती है, सेम टू सेम वैसी कॉफ़ी आप घर पे बना सकते हो. तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाई कॉफ़ी. सेम कॉफ़ी बनाने के लिए आपको चाहिए ये वाली बॉटल, जिससे बिल्कुल वैसा ही लुक आए जैसा कि मार्केट में मिलती है सेम टू सेम. और उसके बाद ये है हॉर्लिक्स जो आपने रील्स में भी देखा था. उसके बाद हम डालेंगे कॉफ़ी और दूध जैसा हम रेगुलर बनाते हैं. वैसे एक चम्मच कॉफ़ी डालनी है, ये नेस्कैफे की कॉफ़ी ली है मैंने. और अब हम डालेंगे एक चम्मच ये वाला हॉर्लिक्स. इतना लेंगे हॉर्लिक्स एक चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे वरना वो कड़वा कड़वा टेस्ट आएगा. तो अब हम इसमें डालेंगे दूध. बस तो इसको इतना भरेंगे, लेकिन अगर इसको फुल नहीं करेंगे, क्योंकि उसको फुल भर दिया तो हम इसको जर्क नहीं दे पाएंगे जो झटका देते हैं हिला के. और चम्मच इसमें घुसेगा नहीं ये वाला, तो इसको हिलाने के लिए भी कुछ चाहिएगा. तो ये रही हमारी कॉफ़ी और नीचे है हॉर्लिक्स. तो अभी थोड़ा सा दूध गर्म है तो इसको थोड़ा फ्रिज में रख देंगे, तो ये हो जाएगी कोल्ड कॉफ़ी. और जैसे कि मैं शक्कर ना के बराबर लेता हूँ, तो मैं शक्कर नहीं डाल रहा इसमें, मैं सिर्फ हॉर्लिक्स डाला है एक चम्मच. अगर बाई चांस आपको लगता है फीका या कड़वा तो आप शक्कर डाल सकते हो. गाइस, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आपको ये बात पता ही होगी कि मैं ऐसे अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ. तो आज मैंने ये हॉर्लिक्स वाला किया और मतलब लिटरली मैं जो पहले 150 रुपये की कॉफ़ी पीता था उसने उसको एक बार में रिप्लेस कर दिया. बस फ़र्क इतना था मैं स्ट्रॉ वगैरह और वो आती थी, बस इतना फ़र्क है. बाकी ये बॉटलें खूब सारी पड़ी है घर पर, तो इसमें पौधे उगा रखे हैं. तो अभी इसमें बनाएंगे कॉफ़ी और इसको फ्रिज में रख देंगे. तो मतलब डेली के कितना पैसा सेव हो रहा है. तो अगर ये वीडियो से आपको थोड़ा कुछ मिला हो या आपका इसमें पैसा बचा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को. 63 हो गए हैं और अटक गया है हमारा कांटा वहाँ पे आके. तो आई होप इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. और आज ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं आज सुबह उठा था 9 बजे, मैंने व्लॉग डाला और मैं सो गया उसके बाद. और मैं आज लिटरली 12-13 घंटे एक्स्ट्रा सोया हूँ, तो मेरी नींद अभी हो चुकी है पूरी. और मैं आज से सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी अपनी स्लीप साइकिल को भी सही करूँ, क्योंकि मैं जब भी करने की सोचता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो सही नहीं होती है. तो आज मैं सोऊंगा थोड़ा जल्दी और कल आपसे सुबह मिलता हूँ और आपको सुबह का दिखाऊंगा सनराइज़ शायद.